हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। फिर से ले आए हूँ फ्रेंड्स आपके लिए एक नई और यूनिक स्टोरी, और स्टोरी का नाम है दादाजी का बाघ यानी ग्रैंडफादर्स टाइगर। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद ग्रैंडफादर्स टाइगर यानी दादाजी का बाघ। बाघ का बच्चा टिमोथी दादाजी को देहरा के पास वाले तराई के जंगल में तब मिला था जब वे वहां शिकार के लिए गए थे। दादाजी खुद शिकारी नहीं थे, लेकिन क्योंकि वे शिवालिक की पहाड़ियों को दूसरे लोगों के मुकाबले बेहतर ढंग से जानते थे, इसलिए शिकारियों की एक टोली ने जंगल में रास्ता दिखाने के लिए उन्हें साथ लिया था। इस जत्थे में दिल्ली से कुछ खास लोग भी थे। जंगल के अलग अलग इलाकों की जानकारी देना और बाघ दिख जाने के बाद उसे घेरने के लिए हाँका लगाने वालों को किस तरफ से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी बातों के बारे में सलाह मशवरा देना उनका काम था। शिकारियों का खेमा अपने आप में काफ़ी शानदार था। 7 बड़े तंबू लगाए गए थे, हर एक शिकारी के लिए एक अलग, यानी हर एक शिकारी के लिए अपना अलग इंतज़ाम था। एक में खाने पीने का इंतज़ाम था और कई तंबू नौकर चाकरों के लिए थे। जैसा कि दादाजी बाद में जिक्र किया करते थे कि खाना बेहद उम्दा होता था। जंगल में तंबू कनात में ऐसा बढ़िया खाना आमतौर पर देखने को भी नहीं मिलता था। गुनगुनी की हुई प्लेट्स, फिंगर बाउल्स, 7-8 किस्म की खाने की चीज़ें और बहुत बेहतरीन पकवान। लेकिन वायसराय के ज़माने में सब कुछ ऐसे ही किया जाता था। उनके साथ यही कोई 15 तो हाथी ही थे, जिनमें से 4 पर शिकारियों के लिए हौदे थे और बाकी हाथी हाँके में हिस्सा लेने के लिए ख़ास तौर से प्रशिक्षित किए गए थे। हाँका लगाना यानी कि जब जंगली जानवर को दौड़ाया जाए तो ये हाथी उनके पीछे पीछे भागें। शिकारियों को तो बाघ देखने को भी नहीं मिला था और ना ही उन्होंने कुछ और मारा था, जबकि हिरन, मोर और जंगली सुअर उन्हें खूब दिखाई दिए। वे तो बाघ दिखाई देने की सारी उम्मीद खो चुके थे और गीदड़ों पर गोलियां दागने लगे थे। शिकारियों से कुछ दूरी पर जंगल में पैदल चल रहे दादाजी की नज़र एक छोटे से करीब 18 इंच लंबे बाघ के बच्चे पर पड़ गई। वह बरगद की उलझी हुई जड़ों के बीच दुबका हुआ था। दादाजी ने उसे उठा लिया और जब शिकारी अपने अपने रास्ते गए तो दादाजी उसे अपने साथ घर ले आए। वह दूसरे से खास इसलिए था क्योंकि वह एक टाइगर यानी कि शेर का बच्चा था। क्योंकि दादाजी टोली के ऐसे इकलौते सदस्य थे जिनके हाथ अब कोई शिकार लग गया था। बाघ के बच्चे का नाम दादी ने टिमोथी रख दिया। शुरू में तो उसे सिर्फ दूध पर पाला गया, जो हमारा खानसामा महमूद उसे बच्चों वाली बोतल से पिलाता था, लेकिन दूध पचाना उसे बहुत भारी पड़ता था, इसलिए पहले तो उसे कच्चा बकरे का मांस और कॉड लीवर ऑयल कैप्सूल के रूप में देना शुरू किया गया। बाद में खाने में उसे कबूतर और खरगोश दिए जाने लगे, जिन्हें वह ज़्यादा चाव से खाता था। टिमोथी के 2 साथी थे, टोटो बंदर, जो इतना निडर हो गया था कि जब चाहे टिमोथी की पूँछ खींच लेता था, और अगर उस छोटे से बाघ को गुस्सा आ जाए तो वह जल्दी से पर्दों पर चढ़ जाता था। टिमोथी का दूसरा साथी था मिली जुली नस्ल का वह पिल्ला जो दादाजी सड़क से उठा ले आए थे। शुरू शुरू में तो टिमोथी पिल्ले से बहुत डर जाता था। अगर वह ज़्यादा पास आता तो टिमोथी उछल कर पीछे हट जाता और अपने बड़े बड़े अगले पंजों से उस पर झपट्टे मारता, फिर झटपट इतनी दूर भाग जाता था कि देखकर सबको हंसी आ जाती थी। लेकिन बाद में उसने पिल्ले को अपनी पीठ पर चढ़ने और वहां आराम फरमाने की इजाज़त दे दी। टिमोथी को जिन बातों में मज़ा आता था उनमें से एक भी साथ खेलने वाले पर झूठ मूठ में घात लगाने का खेल खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था, और इसलिए जब मैं दादाजी के घर रहने आ गया तब मैं उन लोगों में शामिल हो गया जिनके साथ उसे ये खेल खेलना पसंद था। चौकन्नी आँख में चलाकी भरी चमक के साथ वह अपने शरीर को ज़मीन से सटाकर धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ता था, फिर अचानक दौड़कर मेरे पाँव पकड़ लेता और मेरे आगे खुशी से लौटकर हवा में अपने पाँव चलाता और ऐसा नाटक करता जैसे मेरे टखने चबा जाएगा। अब वह एक औसत कद से कुत्ते जितना बड़ा हो चुका था। जब मैं उसे सड़क पर घुमाने के लिए ले जाता था तो लोग हमारे रास्ते से दूर हट जाते, हमारे निकलने के लिए खूब सारी जगह छोड़ देते थे।
जब वह अपनी जंजीर को जोर लगाकर खींचता तो मुझे उसे संभालने में दिक्कत होती थी। घर की बैठक उसकी पसंदीदा जगह थी, जहां मैं लंबे से सोफे पर आराम से पसर कर बैठ जाता और अगर उसे कोई वहां से हटाने की कोशिश करता तो उस पर गुर्राता था। लेकिन टिमोथी था सफाई पसंद और बिल्कुल बिल्ली की तरह पंजों से अपना मुंह साफ किया करता था। रात को वह कंसामा के कमरे में सोता था और सुबह जब वह उसके बाहर जाने के लिए कमरे का दरवाज़ा खोलता तो टिमोथी को बहुत मज़ा आता था। देखना, एक दिन दादी माँ ने अपने भविष्य दृष्टि वाले अंदाज में ऐलान किया, हमें टिमोथी महमूद के बिस्तर पर बैठा मिलेगा और उस दिन महमूद के जूते और कपड़ों के सिवा उसका कोई नामोनिशान नहीं होगा। जाहिर है ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जब टिमोथी करीब 6 महीने का था तब उसके व्यवहार में बदलाव ज़रूर आ गया। अब उसका मिजाज लगातार बिगड़ता जा रहा था। पहले वाला दोस्ताना रवैया बदलने लगा था। जब मैं उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाता था तो वह अचानक किसी बिल्ली या किसी के पालतू कुत्ते पर झपटने की कोशिश करता था। कभी कभी रात को हमें मुर्गियों के दड़बे से हड़बड़ी और बेचैनी भरी आवाज़ें आतीं और सवेरे सारे बरामदे में पंख ही पंख बिखरे मिलते थे। अब टिमोथी को अक्सर जंजीर से बांध कर रखना पड़ता था और फिर जब घर भर में महमूद का पीछा करने लगा, उसे शिकार जैसी नज़रों से देखते हुए अक्सर घात लगाने लगा, तब दादाजी ने तय कर लिया कि अब उसे किसी चिड़ियाघर में भेजने का वक्त आ पहुंचा है। सबसे पास था लखनऊ का चिड़ियाघर, 200 मील दूर। दादाजी ट्रेन में पहले पहुंचे और फर्स्ट क्लास का एक कंपार्टमेंट रिजर्व कर लिया। उसमें टिमोथी को अपने साथ लखनऊ ले गए। वैसे भी उन दोनों के साथ भला और कौन सफ़र करना चाहता। लखनऊ में चिड़ियाघर के अधिकारी मुफ्त में खाता पीता घर का सुलझा हुआ भाग पाकर खुश हो गए थे। करीब 6 महीने बाद जब दादा दादी अपने रिश्तेदारों के पास लखनऊ गए तो दादाजी को मौका मिल गया कि देखें कि टिमोथी चिड़ियाघर में कैसा रह रहा है। मैं तो साथ नहीं गया, इसलिए चिड़ियाघर जाने का वह मौका मुझसे चूक गया। लेकिन जब वह देहरा लौटे तो मुझे सब कुछ पता चला। चिड़ियाघर पहुंचकर दादाजी सीधे उस कटघरे पर गए जिसमें टिमोथी को रखा गया था। उस कटघरे में एक कोने में दुबका बैठा था वह शानदार धारियों वाला पूरा बड़ा बाघ। हेलो टिमोथी, दादाजी उसे देखकर बोले और झट से कटघरे के आगे लगी रेलिंग फांदकर अपना हाथ सीखचों के अंदर डाल दिया। बाघ उनके पास आ गया। दादाजी ने दोनों हाथ अंदर डालकर उसका सिर पकड़ लिया। बाघ ने कुछ नहीं कहा। दादाजी ने उसके माथे को थपथपाया और कानों को गुदगुदाया और जब वह गुर्राया तो उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया, उसे चुप कराने के लिए। वह पहले भी ऐसा करते थे। वह भी दादाजी के हाथों को चाटता रहा और जब बगल वाले कटघरे में बंद तेंदुआ उस पर खोखियाया तो दुम दबाकर कटघरे के दूसरी ओर चला गया। दादाजी ने तेंदुए को डपटा तो वह फिर आकर उनके हाथ चाटने लगा, यानी कि टिमोथी फिर से आकर उनके हाथों को चाटने लगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में तेंदुआ गुर्राता हुआ कटघरे के सीखचों तक दौड़ कर आता और बाघ अपने कटघरे में उसी कोने में बार बार चला जाता। एक इंसान और बाघ का अनोखा मिलन देखने के लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। तभी जानवरों की देखरेख करने वाला एक कर्मचारी लोगों के बीच में से रास्ता बनाता हुआ वहाँ आया और दादाजी से पूछने लगा कि वह ये क्या कर रहे हैं। मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ, दादाजी बोले। क्या 6 महीने पहले जब मैंने इसे चिड़ियाघर को दिया था तब तुम यहाँ नहीं थे? मुझे अभी यहाँ लगे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है साहब, हैरत से दोनों को देखते हुए उसने कहा। आप अपनी बातचीत जारी रखिए, लेकिन मैं तो इसे कभी छू भी नहीं सकता, इसका तो हमेशा मिजाज गर्म ही रहता है, वह बोला। तुम लोग इसे कहीं और क्यों नहीं रखते, दादाजी ने सुझाया। वह तेंदुआ इसे डराया करता है, इस बारे में मैं खुद जाकर बड़े साहब से बात करता हूँ। दादाजी चिड़ियाघर के सुपरिटेंडेंट की तलाश में निकले, लेकिन उन्हें पता चला कि वह जल्दी घर चले गए थे और इसलिए कुछ देर चिड़ियाघर में इधर उधर घूमने के बाद वह टिमोथी के कटघरे पर लौट आए। जाने से पहले उससे अलविदा कहने शाम ढलने को आई थी। उन्हें टिमोथी को थपथपाते और शपथ लगाते करीब 5 मिनट हो गए थे। तब उन्होंने देखा कि जानवरों की देखभाल करने वाला एक दूसरा कर्मचारी फटी फटी आंखों से उन्हें देख रहा है।
दादाजी उसे पहचान गए क्योंकि वह उस समय भी वहीं तैनात था जब दादाजी टिमोथी को चिड़ियाघर छोड़ने आए थे। तुमने पहचान लिया ना मुझे, दादाजी ने कहा। भाई तुम लोग टिमोथी को किसी दूसरे कटघरे में क्यों नहीं रखते, इस बेहुदे तेंदुए से दूर। लेकिन हुजूर, यह रखवाला बोला, यह आपका वाला बाग नहीं है। हाँ हाँ मुझे पता है, दादाजी ने चिढ़ते हुए कहा। मुझे इस बात का एहसास है कि यह अब मेरा नहीं रहा, लेकिन अगर मैं इसके बारे में कुछ सलाह दे रहा हूँ तो तुम्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। आपका वाला बाग मुझे बखूबी याद है साहब, वह बोला। वह तो 2 महीने पहले ही मर गया। मर गया? दादाजी चौंके। जी हुजूर, उसे नमोनिया हो गया था। इस बाग को पिछले महीने ही पहाड़ों से पकड़ा गया है और यह बेहद खतरनाक है। अब दादाजी को कहने के लिए कुछ भी नहीं सूझा। वे बाघ अब भी दादाजी की बाहों को चाट रहा था, पहले से भी ज़्यादा चटखारे लेकर। दादाजी को अपना हाथ कटघरे से बाहर निकालने में जैसे एक युग लग गया। वे अपना मुंह बाघ के मुंह के करीब ले गए और धीरे से बुदबुदाए, गुड नाइट टिमोथी। इसके साथ ही उस कर्मचारी को ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसकी बात उन्होंने सुनी ही ना हो। फिर तेज कदमों के साथ दादाजी चिड़ियाघर से बाहर निकल गए। तो फ्रेंड्स, ये थी एक बहुत ही बेहतरीन और जानवरों से लगाव वाली स्टोरी, लेकिन एक दुख भरे अंत के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी आप किसी पेट को पालते हैं तो आपका लगाव उससे हो जाता है, भले ही वो खतरनाक शेर ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी ग्रैंडफादर्स टाइगर, यानी दादाजी का बाग। अगेन, इस स्टोरी को लिखा था सर रस्किन बॉन्ड ने। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मेरे और स्टोरीज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं फ्रेंड्स, उन्हें भी आप वॉच करें, इन्जॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मुलाकात होती है आपसे फ्रेंड्स मेरे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।